अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अब जरा सॉल्व करते हैं। 7.2 के स्टार्ट में ना, एक सेकंड, शुरू में आपके पास ना जस्ट कुछ परमुटेशन है जो कि कुछ आप कैलकुलेटर के बगैर निकाल सकते हो, लेकिन कुछ निकालना मुश्किल है, लेकिन फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1, 2, 3 एक किस्म के, मैं पार्ट नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लिखा है कि कैलकुलेट करो 20p5। अब ये कैलकुलेटर के बजाय कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नंबर बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। NPR, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लगाओ, n यहां पे 20 है तो ऊपर हो जाएगा 20 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n माइनस r, r यहां पे 5 है, तो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल। अब थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, यहां पे आप इसको लिख सकते हो, यहां पे जो बड़ा फैक्टोरियल होता है मैंने आपको बताया था ना, उसको एक्सपेंड करना, तो 20 को आप लिख सकते हो 20, 19, 18, 17, 16 और अब आप लिखोगे 15 और यहां पे रुक जाओ तो फैक्टोरियल लगा दो, नीचे 15 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 20 × 19 × 18 × 17 × 16। ये भी कैलकुलेटर के बजाय निकालना मुश्किल है, लेकिन अब कभी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं या पेपर में, अगर पेपर में तो ऑब्वियसली एमसीक्यू अलाउ है, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज इसके एंट्री टेस्ट में ये सवाल आते हैं तो उसमें वैल्यू थोड़ी इजी दे देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल नीचे 18 फैक्टोरियल होगा, मतलब आपको 20p2 निकालना है, तो नीचे 18 फैक्टोरियल होगा तो आप 18 फैक्टोरियल लगा दोगे, नीचे वाले से ऊपर कैंसिल, आपको जस्ट 20 को 19 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो तो इजी है, 380 हो जाएगा वो। इसी तरह पार्ट 4, 5, 6 ये एक किस्म के सवाल है, तो जरा देखते हैं इनमें क्या लिखा है। 6 में वैल्यूज बढ़ी और कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को पार्ट 4 ही करवा देता हूं, बस कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि नोटेशन क्या है। लिखा हुआ 5, 3, 2। अच्छा, ये ना कॉम्बिनेशन की भी इस तरह नोटेशन होती है कि आप राउंड ब्रैकेट लगाते हो, वो कॉम्बिनेशन में बताऊंगा। कॉम्बिनेशन में जो नीचे चीज आती है वो एक ही होती है, जबकि परमुटेशन के अंदर नीचे दो चीजें आ रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे सर नीचे एक चीज हो, अब वो परमुटेशन भी बन सकता है, कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये परमुटेशन भी बन सकता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है 5c3। लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे, जब ये वाली सिचुएशन होगी तो वो ऑलरेडी आपको बता देंगे, लाइक कंफ्यूजन इतनी नहीं होती वो ब्रैकेट इसमें, फिर वो डायरेक्ट आपको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बता देंगे कि 5 ऑब्जेक्ट है उसमें से 3 अलाइक है, तो ये रूल नंबर 2 था ना उससे रिलेटेड है ये। तो रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया था, किस तरह सॉल्व करोगे, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको बताएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे जितने लिखे हैं उनके फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 है 3 फैक्टोरियल, 2 है 2 फैक्टोरियल, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर लूंगा, वरना आप एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो, चलो मैं एक्सपेंड करके बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 5 को आप लिख सकते हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जबकि नीचे 3 को कैसे लिख सकते हो 3 × 2 × 1, और 2 को कैसे लिख सकते हो 2 × 1। फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 = 4 होता है, तो ये 2 2 और ये वाला 4 ही कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 × 1 1 ही होता है, ऊपर वाला 1 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 5 × 2 क्या होता है 10, तो इस पूरी चीज का आंसर हो गया 10 के बराबर। इसी तरह पार्ट 4, 5, 6 है, 5, 6 जो है वो आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 एक इजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 2 में आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको n निकालना है हर सिचुएशन के अंदर, तो पहली में आपको एग्जाम्पल दी हुई है, सॉरी कंडीशन दी हुई है कि NP2 जो है वो 20 के बराबर है, तो बताओ ऐसा n कौन सा पुट करेंगे कि पूरी चीज किसके बराबर हो जाए, 20 के बराबर हो जाए, ये आपको निकालना है। तो कोई इशू नहीं है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले अच्छा तरीका यह कि आप परमुटेशन का फॉर्मूला मेंशन करो, आपको पता है NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब आप जरा सॉल्व करो इसको, एक साथ ही सॉल्व करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, NP2 का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, और 20 जो है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। अगेन वही कॉन्सेप्ट है यार, जो बड़ा फैक्टोरियल होता है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, आप उसको सॉल्व करते हो, n बड़ा है आप इसको सॉल्व करो, n को आप क्या लिख सकते हो, आप n को अगर एक्सपेंड करो तो ये होगा n, फिर होगा n माइनस 1, फिर होगा n माइनस 2, आप n माइनस 2 पे रुकना चाह रहे हो तो आप फैक्टोरियल लगा दो,
नीचे ऑलरेडी मौजूद है n माइनस टू फैक्टोरियल, तो n माइनस टू से n माइनस टू कैंसिल, ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई n माइनस वन इक्वल टू 20। सॉल्व करो n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 20, 20 को उधर ले आओ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके आगे बच्चों सॉल्व करना आप लोगों का काम है, n की दो वैल्यूज आपने निकालनी है, सिंपल आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, n की दो वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कंसीडर कौन सी करोगे, पॉजिटिव वाली करोगे, मैं देख लेता हूँ कि आप, क्योंकि जाहिर सी बात है एन जो है वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्या होती है, एन एक होल नंबर, होल नंबर भी नहीं आप बोल सकते, नेचुरल नंबर तो होगा ना मिनिमम, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि आपने दो चूज किए हैं, तो मिनिमम दो तो होगा एन, मैक्सिमम कर लो जितना करना है आपने कि 20 आंसर आ जाए। सर देखो तो सवाल में आंसर कितने आ रहे होंगे, 7.2 के 2 का पार्ट 1 आंसर आ रहा है 5, चार तीन पार्ट है, हाँ 5 आंसर आ रहा है। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास दो आंसर आएंगे, एक 5 होगा एक कोई और होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स इक्वल नहीं होंगे, तो डेफिनेटली इसके दो आंसर होंगे, तो इसका मतलब वो नेगेटिव वाला होगा, तो 5 वाला आप चूज कर लोगे वो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला जो है उसको चूज नहीं करना, उसको डिस्कार्ड कर देना क्योंकि वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव एन नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो पेपर में डॉट डॉट नहीं लगाना, पेपर में सॉल्व करना है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल एक और सवाल को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 2NP3 इक्वल टू 2NP4। सॉल्यूशन में आप पहले फॉर्मुला मेंशन कर देना, अच्छा तरीका ये होता है कि जो फॉर्मुला यूज करने लगे मेंशन कर दो उसको, मैं सॉल्व करवा देता हूं डायरेक्ट। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो ऊपर चीज है उसका फैक्टोरियल लोगे, और इस फैक्टोरियल को मैं इस तरह लिख रहा हूं क्योंकि आमतौर पर टीचर इसको इस तरह लिखवा देते हैं, गाइड में भी मैंने देखा था, वो बच्चों के लिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि 2n फैक्टोरियल के दो मतलब बनेंगे, या तो 2n का फैक्टोरियल या इसका जो डायरेक्ट मतलब बन रहा है वो ये बन रहा है कि n फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये गलत चीज है। मैं आपको पहले ये वाली चीज सॉल्व करा दूं फिर बता दूं खतरनाक कितना है, ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है यहां पे। अच्छा फिर नीचे लिखोगे 2n-3 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखोगे, 2 बाहर है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल। अब ये जो 2n है इसको आमतौर पर इस तरह लिखवाया जाता है ये, अब ये दोनों अगर मैं इसमें ब्रैकेट ना लगाऊं तो दोनों सिचुएशन सेम हो जाएंगी, आप इन दोनों को सेम पढ़ोगे, दोनों सेम ही नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। यहां पे n ऑब्जेक्ट्स थी, यहां पे 2n ऑब्जेक्ट है, तो जितने ऑब्जेक्ट होती है उसका फैक्टोरियल लेते हो, तो यहां पे फैक्टोरियल होगे n का, जिसको आप इस तरह लिख सकते हो, यहां पे अलाउड है, लेकिन इस वाली चीज को इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि अगेन इसका मतलब बनेगा n का फैक्टोरियल लिया हुआ है और फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि इसका एक्चुअल मतलब क्या होना चाहिए कि जो 2n है इस पूरी चीज का आपने फैक्टोरियल लिया, तो दो अलग सिचुएशन है, इनको ध्यान में रखना। बाद अब इसके बाद करना क्या, अगेन यहां पे देखो नीचे 2n-3 यहां पे 2n, तो इसका मतलब ऊपर वाली चीज बड़ी है, आप इसको एक्सपेंड करो, आप लिख सकते हो 2n, फिर होगा 2n-1, फिर होगा 2n-2 और फिर होगा 2n-3, और यहां पे रुकना चाह रहे तो फैक्टोरियल लगा दो, और नीचे जो है वो तो 2n-3 है। अब इसको कैसे लिखोगे, इसमें आप ये जहन में रखना यहाँ पे 2n नहीं है, 2n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको फॉर एग्जांपल 2 को दरमियान में लिख दो कंफ्यूजन से बचने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो 2 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा एक्सपेंड करो, n को आप लिख सकते हो n-1 n-2 n-3 n-4, यहां पे फैक्टोरियल लगा दो, नीचे जो है पूरा हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल। तो अब क्या होगा, 2n-3 से 2n-3 कैंसिल, n-4 से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसको आप यहां पे सॉल्व कर लोगे, रिमेनिंग पोर्शन क्या है, यहां पे 3 चीजें बची हुई हैं, यहां पे भी 4 चीजें, ठीक है, तो सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम, ये 2 अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पे, हाँ पहले कैंसिल करने ज्यादा बेहतर है, पहले मैं इसको लिख लेता हूं या डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर दो। अगर आप देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, अब देखो यहां पे 2n हो गया ना, अब आप इसको प्रोडक्ट कंसीडर करोगे, कोई ऑपरेशन तो नहीं लगा ना, जैसे यहां पे ये ऑपरेशन के तहत बंधा हुआ था बेचारा कि 2n का आपने फैक्टोरियल लेना था, यहां पे ये इंडिपेंडेंट है, तो आप 2 को अलग ट्रीट करो, n को अलग ट्रीट करो, यहां पे तो कोई मसला नहीं ना, कोई ऑपरेशन नहीं है इनके दरमियान, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, या एक साथ 2n को भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे 2 चीजें बची हैं, एक है 2n-1 और एक है 2n-2, जबकि यहां पे 3 है, n-1 n-2 n-3। अब आपने सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 4n² -4n
माइनस टू एन प्लस टू। जबकि यहां पे जब आप सॉल्व करोगे, पहले दो को आप सॉल्व कर लो आसानी हो जाए, एन स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू एन माइनस एन मतलब माइनस थ्री एन, और फिर होगा प्लस टू, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एन माइनस थ्री से। यहां पे ये फोर एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा, और आप इनको सॉल्व करो, एन स्क्वायर को एन से करो ये हो जाएगा एन क्यूब, अच्छा एन स्क्वायर को माइनस थ्री से करोगे हो जाएगा माइनस थ्री एन स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसलिए आप लोग खोल के पूरा लिख लेना, और इस वाले माइनस थ्री एन को इससे करोगे माइनस थ्री एन स्क्वायर, तो टोटल आ रहा होगा माइनस सिक्स एन स्क्वायर। फिर माइनस थ्री एन को माइनस थ्री से करोगे इससे नाइन एन, टू को एन से करो नहीं पॉजिटिव नाइन एन, हाँ टू को एन से करो टू एन, तो ये हो जाएगा इलेवन एन, फिर टू को माइनस थ्री से करोगे माइनस सिक्स। जगह कम थी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग इसको सब टर्म में खोल के फिर सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर आ रहा होगा। एन क्यूब अपनी जगह पे रहने दो, ये फोर एन स्क्वायर इधर आके नेगेटिव होगा माइनस टेन एन स्क्वायर, ये माइनस सिक्स एन आके इधर पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा सेवनटीन एन, और टू इधर आके नेगेटिव होगा माइनस एट। ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ रही होगी, कोई आपको नहीं कहेगा क्यूबिक इक्वेशन को खुद सॉल्व करो, आपके पास कैलकुलेटर है लिख देना बाय यूजिंग कैलकुलेटर। क्यूबिक इक्वेशन में एन वन है, ये हो जाएगा माइनस टेन सेवनटीन माइनस एट, तो आपके पास एक आंसर आ रहा है एट, दूसरा आंसर आ रहा है वन, तीसरा आंसर आ ही नहीं रहा, मतलब इसका मतलब इसमें दो इक्वल आंसर होंगे, या तो वन दो दफा आ रहा है या एट दो दफा आ रहा है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो रिपीटेड रूट आएंगे इसके, तो दो आंसर है, एक एन वन है और एक एन एट है। वन नहीं आप ले सकते क्योंकि वन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, यहाँ पे एन की जगह वन पुट करो टू पी थ्री, टू पी थ्री कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे वन पुट करो वन पी फोर कोई सेंस नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा आंसर क्या होगा एन इक्वल टू एट, तो आप लिख दो बाय यूजिंग या सिंपल ये लिख दो बाय सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन, बाय सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिला कि जो n है वो 8 है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, और साथ ये भी मेंशन कर दो n1 जो है इसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, चाहो तो रीजन बता देना कि n जो है वो मिनिमम 4 से बराबर होगा या 4 के ग्रेटर होगा, क्योंकि n अगर 4 होगा तो ये 4p4 ये हो जाएगा 8p3, मतलब सेंसिबल कोई चीज होगी, 4 से कम नहीं हो सकता, वरना ये वाली चीज अजीब सी हो जाएगी, 3p4 सेंस नहीं बनेगी इसी पर, तो n इक्वल टू 8 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा यहां पे अगर आप सॉल्यूशन देखो, ऊपर सिंप्लीफाई किया होता है हम लोगों ने गाइड में, मैंने देखा था कि यहां पर उन्होंने क्या किया होता है कि टू कॉमन लिया हुआ था, यहां से टू कॉमन लेंगे हो जाएगा एन माइनस वन, इधर वाले एन माइनस वन से इधर कैंसिल कर दिया, अब दोनों तरफ आपके पास मतलब एक तरफ लीनियर इक्वेशन आ रही होगी, एक तरफ क्वाड्रेटिक आ रही होगी, तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आप सॉल्व करोगे दो वैल्यू आएंगी, एक को सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन अब ये चीजें जहन में नहीं रहती ना, कौन सोचेगा यार टू कॉमन लेना, तो मैंने ऐसा सॉल्यूशन करवाया जो एक नॉर्मल बच्चा सॉल्व करेगा, जो कैंसिलेशन हो रही होगी उसको कैंसिल करेगा और सॉल्व करने लग जाएगा, तो जब सॉल्व करो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लेना, एन की आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, जो एक वाली वैल्यू उसको आप एक्सेप्ट कर लो कि वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वरना आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर टू कॉमन ले लेना एन माइनस वन हो जाएगा, कैंसिल करना तब भी आंसर आ जाएगा, तब इजी सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन वो जहन में नहीं रहती ना, एक देसी सॉल्यूशन टाइप का मैंने करना है, ये देसी सॉल्यूशन होता है। पार्ट नंबर थ्री में लिखा हुआ है रेशियो की फॉर्म में आपको परमुटेशन गिवन है कि 2n प्लस 1p n माइनस 1, अगर आप इसका रेशो निकालो 2n माइनस 1 pn से तो रेशो आएगा 3:5, बस इस कंडीशन का इस्तेमाल करके आपको n निकालना है। अब कैसे n निकालेंगे जरा देख लेते हैं, यहां पे सॉल्यूशन पे आप परमुटेशन का फॉर्मूला लिख लेना, और पहले काम करते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई इन द सेंस कि आप इसको रेशो की फॉर्म में लिख लो, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर 2n प्लस 1 pn माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 pn, यहां पे ये काम करो। अब अगर आप इनको ऐसे सॉल्व करोगे ना, परमुटेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो फ्रैक्शन आपकी काफी बड़ी सी हो जाएगी, तो इसको हमें काम करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि वो फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आपकी ना आए पूरी, तो उसको उधर ले जाते हैं 5 को उधर ले जाते हैं, तो ये 5 इधर आ गया, ठीक है। अब आप सॉल्व भी कर लो, जो ऊपर चीज लिखी हुई है उसका फैक्टोरियल लेते हो, डिवाइडेड बाय जो ऊपर चीज लिखी हुई है माइनस नीचे वाली 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 जो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और इसका फैक्टोरियल ले लोगे, मतलब ये पूरी चीज n है, ये पूरी चीज r है, तो नीचे आप n माइनस r करते हो ना, ये वाली पूरी चीज माइनस जो नीचे लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल ले लोगे। अच्छा
तो ये 5 को बदल ले गए थे, अब इस पूरी चीज को आप ले दो 3 के पास, तो 3 एज इट इज रहने दो, इसको जरा एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई करते हैं, अभी फिलहाल ऊपर ऐसे ही रहने दो, नीचे क्या है 2n माइनस n, ये हो जाएगा n, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, तो ये है n प्लस 2 फैक्टोरियल, जबकि यहां पे क्या है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 2n माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब यहां पे ऊपर नीचे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे 2n प्लस 1 है, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो आपके पास आएगा 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, जबकि नीचे n प्लस 2 है, n प्लस 1 होगा, फिर n होगा, फिर n माइनस 1 होगा, मतलब ये अलग चीजें इनको कैंसिल नहीं कर सकते, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे, लेकिन आप इसको आमने सामने कैंसिल कर सकते हो, जैसे ये भी 2n वाला, ये भी 2n वाला, ये भी n वाला, ये भी n वाला, तो अब आप सामने सामने देखो कि कौन छोटा है, सॉरी कौन बड़ा है, उसको आप एक्सपेंड करो, तो आमने सामने देखो ये बड़ा है, तो आप इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2n प्लस 1, जब इसमें से 1 माइनस करोगे ये हो जाएगा 2n, फिर 1 माइनस करो 2n माइनस 1, रोकना चाह रहे हो तो फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि यहां पे 2n माइनस 1 है ना, इसी तरह नीचे भी ये चीज बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो सॉल्व करो, ये हो जाएगा n प्लस 2, 1 माइनस करोगे n प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस करोगे n हो जाएगा, फिर 1 माइनस करो n माइनस 1 फैक्टोरियल, लुक जाओ क्योंकि यहां पे आ गया, इनको मैं एज़ इट इज़ लिख देते हैं, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो अगर कुछ और कैंसिल हो रहा हो तो इस वाले n से ये वाला n कैंसिल हो रहा है, तो जो बाकी चीजें उनको हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर क्या मौजूद है, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मौजूद है और ब्रैकेट में 2n प्लस 1 है, जबकि नीचे क्या मौजूद है n प्लस 2 n प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे तो सब कैंसिल हो गया था, बस 3 बच जाएगा। अब आप इस पूरी चीज को वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, इधर 10 को मल्टीप्लाई करवाओ, ये जगह 20n प्लस 10, जबकि 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, नेक्स्ट स्टेप में आप जरा 10 को 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3n स्क्वायर 9n प्लस 6, इन दोनों को बदल ले आओ, 20 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11n, 10 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4। ये आपके पास एक भोली भाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर लेना, 3 माइनस 4 ये माइनस 12 है, माइनस 12 के एक ही फैक्टर बनाना, मतलब दो फैक्टर होंगे, माइनस 12 मल्टीप्लाई 1, प्रोडक्ट माइनस 1 होगा, सॉरी माइनस 12 होगा, और जब ऐड करोगे माइनस 12 और 1 को तो माइनस 11 आ होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है, 7.2 के आंसर में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में 4, इसका मतलब दो आंसर आएंगे क्योंकि रूट इक्वल नहीं है, तो एक आंसर आप करोगे डिस्कार्ड क्योंकि वो नेगेटिव होगा, ये 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4, 3n कॉमन लो n माइनस 4, यहां से 1 कॉमन लो n माइनस 4, तो वही एक आंसर आ रहा है 4, एक आंसर आ रहा है n इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, प्लस अगर नेगेटिव ना भी होता फ्रैक्शन में है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती, कोई आपके पास नेचुरल वैल्यू होगी ना, 1, 2, 3 को जैसी चल रही होगी है, तो 4 वाला आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, दूसरा जो आंसर है माइनस 1 अपॉन 3 उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, यहाँ पे ये सिचुएशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ थोड़े बच्चों वाले सवाल है, थोड़े मुश्किल भी है, कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल, आपने सिग्नल्स बनाने हैं विच कैन बी मेड विद 6 फ्लैग्स, आपने सिग्नल बनाने 6 फ्लैग्स, जैसे फ्लैग इन द सेंस के फ्लैग भी यूज होते हैं, जब लाइट नहीं होती थी, अभी तो आप सिग्नल देखते हो ना कि लाइट उस पर जली होती है, वरना फ्लैग भी यूज करते थे, अभी भी इवन आप रेलवे में जब जाते हो तो आपको कभी अगर लाल झंडा नजर आ जाए तो वो ट्रेन पहले से रोक लेते हैं, इसका मतलब कि मरम्मत का काम है, कुछ भी करना है उन्होंने, जब ग्रीन सिग्नल होता है, ग्रीन फ्लैग होता है, इसका मतलब ओके है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, तो फ्लैग अभी भी यूज होते हैं सिग्नल के तौर पर, तो आप अगर फ्लैग समझ नहीं आ रहा, आप इसको लाइट कंसिडर कर लो कि 6 लाइट्स हैं आपने सिग्नल बनाने, अब 6 लाइट नॉर्मली आप 3 लाइट के सिग्नल देख रहे होते हो, लेकिन कंसिडर कर लो 6 लाइट के सिग्नल बनाने हैं आपने, जिसमें से 2 व्हाइट लाइट है, 2 ब्लैक है, 2 रेड है, और सारी लाइट आपने एक साथ यूज करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एट अ टाइम आपने यूज करनी है, तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले
नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं भाई? 6 हैं। नंबर ऑफ व्हाइट फ्लैग्स, व्हाइट फ्लैग्स कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ ब्लैक फ्लैग जो है वो 2 हैं। अच्छा, नंबर ऑफ रेड फ्लैग वो 2 हैं। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कितने आप यहां पे सिग्नल बना सकते हो। अब सवाल ही प्रोडक्ट प्रिंसिपल से हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट प्रिंसिपल से हमने एक परमुटेशन का फॉर्मूला बनाया है इसके लिए। और ये है रूल नंबर 2। क्या मैंने बताया था कि आपके पास अगर एक n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कुछ अलाइक है, फॉर एग्जांपल यहां पे 6 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, 6 में से 2 एक जैसे व्हाइट, 2 एक जैसे ब्लैक, 2 एक जैसे रेड, तो आप नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैसे बनेंगे? फॉर्मूला क्या है परमुटेशन का? फॉर्मूला होगा टोटल ऑब्जेक्ट्स उतना फैक्टोरियल ले लो आप, जितने सेम है। फॉर एग्जांपल एक जो कैटेगरी है उसके 2 सेम है, मतलब 2 आ रहे हैं उस कैटेगरी के, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो आप। जैसे व्हाइट के 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, फिर ब्लैक के 2 हैं 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता ब्लैक के 3 फ्लैग हैं तो आप 3 फैक्टोरियल कर देते, रेड के 4 हैं तो आप 4 फैक्टोरियल से कर देते, मतलब फिर वो 6 से भी ग्रेटर होता है। फिर 3 व्हाइट होकर 4 रेड हो गए तो 7 बन जाएंगे ना। तो इस वाले सिचुएशन में तो यही एग्जैक्टली हो सकता है। तो सॉल्व आप इसको करो, 6 फैक्टोरियल जो है बच्चों, इसको अगर आप एक्सपेंड करें करना चाह रहे हो उस तरह भी कर सकते हो, 6 5 4 3 2 1। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इसको सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 1 2 को आप इससे कैंसिल कर दो, 1 जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे सारे आंसर बन जाते हैं। 2 2 4, तो ये वाला 4 और ये 2 2 कैंसिल करती है। अब ऊपर बचेगा 6 into 5 30 होता है, 30 को 3 से करो 90, इसका मतलब टोटल 90 सिग्नल आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल किस तरीके से बनेंगे? आपने यूज कर लिया सबसे पहले व्हाइट, फिर आपने यूज किया रेड, फिर आपने किया व्हाइट, फिर आपने यूज किया रेड, फिर आपने ब्लैक ब्लैक कर लिया। अब इन 6 चीजों को आपने अरेंज करना है। 6 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो इसमें से सेम है, इसको प्रोडक्ट प्रिंसिपल में डिविजन रूल भी कहा जाता है कि जब आप अरेंज करो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल तो लगा रहे हो लेकिन कुछ सेम है तो डिवीजन भी आप करते हो, तो ये कहलाता है डिवीजन रूल। ये मुझे एकदम से ध्यान में आ गया, मैंने आप लोगों को परमुटेशन में बताया था ना एक डिवीजन रूल भी होता है जो मैं परमुटेशन के अंदर करवाऊंगा। तो रूल नंबर 2 जो है ना, उसको डिवीजन रूल ही आप कहते हो क्योंकि वो बेसिकली प्रोडक्ट प्रिंसिपल से आया लेकिन उसमें आप डिवाइड कर रहे होते हो, तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल के अंदर ही मॉडिफिकेशन आपने की होती है। तो एक चौथा रूल भी होता है, 3 रूल मैंने पढ़ाए थे ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर, तो चौथा रूल डिवीजन रूल भी है जो आपने रूल नंबर 2 पढ़ा था परमुटेशन का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 7 बुक को आपने शेल्फ में अरेंज करना है, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 7 बुक्स है, तो कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी भाई? जितनी ऑब्जेक्ट है उन सबको आपस में अरेंज करना है, तो परमुटेशन का जो रूल नंबर 1 बताया था उसका केस नंबर 1 था कि जितनी चीजें हैं अगर उन सबको अरेंज करना है, मतलब r अगर n के बराबर है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 5040। मैंने तभी कहा था कुछ फैक्टोरियल है अगर वो आप याद कर लो तो काफी आसानी है। अब देखो पेपर में 10 सेकंड बन जाएंगे आपके, आप कैलकुलेटर निकालोगे, कितनी दफा आपकी सिटिंग इतनी अजीब सी होती है ना, कैलकुलेटर ने दबाया आपने साइड वाइड पे निकाला गिर गया, 4 लोग आपको देख रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं यार ये, फिर आप कैलकुलेट करो, फिर फैक्टोरियल ढूंढ रहे होगे फैक्टोरियल क्या है फिर निकालोगे। तो उसे बेहतर नहीं कि आप शुरू के 5-7 फैक्टोरियल मैंने कहा था एटलीस्ट ये याद कर लो, काफी काम आते हैं। तो 7 फैक्टोरियल आंसर आ गया 5040। अच्छा फिर सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, लिखा हुआ इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज, ये तो टोटल आपने वेज निकाले ना कि 7 चीजों को अरेंज करने के टोटल 5040 तरीके हैं। अब इसमें से कुछ सिचुएशंस होंगी ना, उन्हीं में से कुछ सिचुएशन डिस्कस की हुई है कि हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल अ स्पेसिफिक बुक बी एट द सेंटर। कि फॉर एग्जांपल 7 बुक है 7 डिफरेंट सब्जेक्ट की, ये समझ लो कि और ये कंसिडर हो जाए कि 7 डिफरेंट है, यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि अगर सेम होगी तो 7 अगर सेम की सेम है तो अरेंज करने का फायदा ही नहीं है उसको, जब सब सेम है तो अरेंजमेंट सेम ही मानी जाएगी, एक ही अरेंजमेंट है उसकी बात। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक बुक को सेंटर में रखना है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक बुक है उसको आपने सेंटर में रखना है, तो आप क्या करो, पार्ट 1 इसको कहते हैं कि इफ स्पेसिफिक बुक
बी एट अ सेंटर। स्पेसिफिक बुक अगर आप सेंटर में रखना चाह रहे हो तो तब आपकी कितनी अरेंजमेंट बनेगी। तो जरा इसको ना हम प्रोडक्ट प्रिंसिपल से समझते हैं इस बात को, क्योंकि तो याद रखना कि जब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना तो परमोटेशन वहां पे यूज नहीं कर रहे होते यार। होता फॉर्मुला वही है, यूज सिक्स फैक्टोरियल करोगे आप, आंसर इसका सिक्स फैक्टोरियल होगा, लेकिन आप पहले प्रोडक्ट प्रिंसिपल से सिचुएशन समझते हो। आप इस पे कोई परमोटेशन का कोई फॉर्मुला डायरेक्टली लगा दोगे। सिचुएशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सात प्लेसेस है ना, चार पांच छह सात, तो जो स्पेसिफिक बुक है सेंटर में आएगी बिल्कुल, जो सेंटर है तीन इस तरह तीन इस तरह, स्पेसिफिक बुक आपने सेंटर में रख ली, अब इधर कोई और नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि इंग्लिश की बुक है वो सेंटर में आएगी, उसको नहीं आप छेड़ सकते, इसका मतलब एक जगह जो है वो आपने एक बुक से फिल कर दी है। इंग्लिश की बुक अब कहीं और नहीं आएगी, इंग्लिश की बुक सेंटर में आएगी, कोई और बुक सेंटर में नहीं आ सकती। दैट सेट कंसीडर कर लो एक बुक जो है फिक्स है, इसका मतलब ये पोजीशन हटा ही दो यहां से। अब सात बुक थी पहले, सात प्लेसेस थी, अब एक बुक और एक प्लेस आपकी खत्म हो गई है, क्योंकि उसको तो आप कंसीडर कर नहीं सकते, वो हिल नहीं सकती वहां पे। इंग्लिश जो है वो सेंटर में ही रहेगी, चाहे कोई भी अरेंजमेंट आप डिस्कस कर लो यहां पे, उसका मतलब बाकी छह बुक बची है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी छह बुक आप यहां पर पुट कर सकते हो, कोई भी पांच, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आपने पुट कर दी तो रिमेनिंग पांच बची है, कोई भी पांच आप इस जगह पे पुट कर सकते हो, फिर पुट कर दी कोई भी चार पुट कर सकते हो, कोई भी तीन, कोई भी दो, और आखिर में जो बचेगी वो आप यहां पे पुट कर दोगे। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल। अच्छा ये आप वर्किंग दिखा देना उनको, ये लाजमी समझना है कि कुछ साइड वर्किंग का रफ वर्क है, दिखाना कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना। अब एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल सिक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ उसने, और एक बच्चे ने एक चीज बनाई है, क्या फर्क नहीं होगा इनमें? बिल्कुल फर्क होगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल क्या होता है? 720। तो चीजों में फर्क होता है, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन अपना अच्छा करने की कोशिश करो, यही सॉल्यूशन जिंदगी में भी करो। मतलब अब मैं कदरे फ्री, नमाज का वक्त हो गया है, एक मिनट के फासले से मस्जिद है, और मैं घर में नमाज पढ़ू, और इसके कंपैरिजन में बेचारा एक मजदूर है जिसकी मस्जिद थोड़ी दूर है, कंसीडर कर लो पांच मिनट का रास्ता है, जबकि सख्त गर्मी भी है, जबकि उसको पता है मैं छोड़ के जाऊंगा तो मुझे ऊपर से मेरा जो ठेकेदार है वो मसला करेगा, वो बेचारा वहां कोने पे कहीं नमाज पढ़ लेता है जमात के साथ, सॉरी अकेले नमाज पढ़ लेता है। तो मेरा अकेला नमाज पढ़ना और उसका अकेला नमाज पढ़ना के बराबर होगा? नहीं। मुझे सर्कमस्टांसेस अल्लाह ताला डिफरेंट दिए थे, उसको सर्कमस्टांसेस डिफरेंट दिए थे, तो अल्लाह ताला देखेगा गिवन सर्कमस्टांसेस में तुमने कैसा परफॉर्म किया। ये मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है ना उनसे बात सीखी थी। तो वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि एक बच्चा सिक्स फैक्टोरियल लिख के डायरेक्ट आंसर छोड़ रहा है, जबकि एक प्रॉपर रीजन बता रहे कि मैंने सिक्स फैक्टोरियल क्यों लिखा है। तो खुद सोचो कि अच्छे नंबर अच्छा इंप्रेशन किसका पड़ेगा, उनके सवाल वो छोटे छोटे से होते हैं, मेन कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया कुछ भी नहीं होता इसके। दूसरा लिखा हुआ है एट आइदर एंड, कि पहले उन्होंने बोला था कि एक स्पेसिफिक बुक है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, वो सेंटर के अंदर है आपने बता दिया, अब वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश की बुक जो है वो किसी भी एक एंड पे, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें स्पेसिफिक बुक जो है वो एक एंड पे फिक्स की दिया आपने, जैसे पहले सेंटर में फिक्स किया था ना, अब आपने एक एंड पे फिक्स कर दिया उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही सात प्लेसेस मैं लिखते तो पहले कि इफ स्पेसिफिक बुक एट आइदर एंड, बी एट आइदर एंड, जो भी इंग्लिश लिखनी है बस समझाने के लिए, बी एट आइदर एंड। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आपकी जो सेवन बुक्स हैं ये मैंने बना दी, और पहली प्लेस जो है ये फिक्स कर दी आपने। एंड का मतलब इसलिए होता है कि ये वाला एंड दूसरा वाला एंड, दो एक्सट्रीम पॉइंट इसको हम कहते हैं एंड को, क्योंकि जो एक्सट्रीम पॉइंट है दोनों तरफ इसको एंड बोला जाता है। अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पेसिफिक बुक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है, वो आपने स्टार्ट में फिक्स कर दी, अब बाकी को रेंज किस पे देखने से करोगे? सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, तो इंग्लिश की बुक यहां पे, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब दूसरी अरेंजमेंट क्या होगी? उन्होंने बोला आइदर एंड, दोनों एंड पे किस, अच्छा बैक वक्त तो नहीं हो सकती ना स्पेसिफिक दोनों जगहों पे, या तो पहले इस एंड पे होगी या दूसरे एंड के ऊपर होगी, एक वक्त में एक ही बुक दो एंड पे तो नहीं हो सकती ना, मतलब क्या चल रहा है यहां पे। तो या तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी या ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो बुक इस वाले एंड पे फिक्स कर दिया आपने। तो ये जो अरेंजमेंट है जो ऊपर मैंने लिखी है, इसमें स्टार्ट इंग्लिश की बुक से होगा और बाकी अरेंजमेंट आप करोगे,
और जो दूसरी अरेंजमेंट है इसमें जो सारी अरेंजमेंट होंगी उसमें एंड पे इंग्लिश होगी, स्टार्ट में सारी क्या होंगी बाकी बुक्स होंगी। अब ये दोनों अलग है भाई, पहली अरेंजमेंट में इंग्लिश सब एक इंग्लिश स्टार्ट हो रही है सबसे पहले, और दूसरी अरेंजमेंट में इंग्लिश पे एंड हो रहा है, तो दोनों अरेंजमेंट अलग है। लेकिन ये दोनों अरेंजमेंट एक साथ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। या तो ये वाली अरेंजमेंट है या ये वाली अरेंजमेंट है। मैं इस या पे इतना क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये सम प्रिंसिपल का केस है जो आपने काउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था कि इस इवेंट को करने के कितने तरीके हैं, सिक्स फैक्टोरियल। इस इवेंट को करने के कितने तरीके हैं, सिक्स फैक्टोरियल। ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, या तो पहला करोगे या दूसरा करोगे। सम प्रिंसिपल क्या करते हो, सम प्रिंसिपल में एड करते हो। तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपने जो पेपर चेक करा उसको समझा दिया। आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी। पहली वाली सिचुएशन में अरेंजमेंट सिक्स फैक्टोरियल, दूसरी में भी सिक्स फैक्टोरियल, सम प्रिंसिपल आप ऐड करो, 720 प्लस 720 ये हो जाएगा 1440। ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिटेल में देख लिया।